दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग इस पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सीजी बोर्ड पूरक सप्लीमेंट्री परीक्षा रिजल्ट 2022 छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट क्लास 10th 12th। दोस्तों आपका रिजल्ट किस दिन आने वाला है और दोस्तों आपको अपने रिजल्ट किस तरह से निकालना है, उसके बाद दोस्तों कॉलेज या अगली कक्षा में एडमिशन लेने की लास्ट डेट 16 अगस्त से 26 अगस्त है, आपको क्या क्या करना होगा दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो के साथ अंत तक रही है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए आपकी कॉलेज या अगली कक्षा में एडमिशन लेने की यहाँ पर लास्ट डेट है 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में आप कॉलेज में या फिर अगली कक्षा में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन पर आवेदन फॉर्म भरना होगा। दोस्तों आवेदन फॉर्म यहाँ पर भरने की दोस्तों फीस लगेगी, दोस्तों आपकी 50 रुपये फीस लगेगी। दोस्त जल्दी से दोस्तों आप ऑनलाइन पर जाकर आवेदन फॉर्म भर दीजिए कॉलेज के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब आपका एडमिशन होगा तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे यहाँ पर समझ लीजिए। पहले में लगेगा दोस्तों आपका 10th 10वीं और 12वीं की रिजल्ट की फोटो कापी लगेगी, और दूसरे में लगेगा दोस्तों ट्रांसफर सर्टिफिकेट की फोटो कापी लगेगी, और तीसरे में दोस्तों आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेगा, और चौथे में दोस्तों आपका फोटो लगेगा, 2 या 3 फोटो लगेगा। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड की फोटो कापी यहाँ पर लगेगी, बैंक पासबुक की फोटो कापी लगेगी, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की फोटो कापी लगेगी। ठीक है, या दोस्तों कॉलेज या फिर अगले कक्षा में एडमिशन लेने की यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है ये आपके लिए चाहिए। मतलब दोस्तों इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप कॉलेज या अगले कक्षा में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपका रिजल्ट किस तारीख को आने वाला है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने रिजल्ट चेक करने के लिए हमें चलना होगा अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पर। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पर। जैसा दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल के यहाँ पर क्रोम ब्राउजर पे आ गए। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर यस एरो के चिन्ह पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अब यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। अब दोस्तों अपने क्रोम ब्राउजर को यहाँ पर डेस्कटॉप साइट में कर लेंगे। थोड़ा सा वेट कर दोस्तों यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउजर को यहाँ पर डेस्कटॉप साइट में कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है, क्या टाइप करना है दोस्तों, CGBSE। दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है CGBSE अपना क्लास 10th 12th का सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने के लिए। दोस्तों यहाँ पर हम सर्च कर देंगे, थोड़ा सा वेट कर दोस्तों यहाँ पर हमारा पेज ओपन होकर आ रहा है, जस्ट वेटिंग फॉर यू। दोस्तों यहाँ पर हमारा पेज ओपन होकर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ पर इसको जूम कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर सीजी बोर्ड की यहाँ पर हमारे सामने आधिकारिक वेबसाइट निकल के आ गई है। दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमारा पेज ओपन होकर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमारा पेज ओपन होकर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए आपका रिजल्ट किस दिन को आने वाला है, किस तारीख को आने वाला है। दोस्तों आपका रिजल्ट 12 अगस्त है, 12 अगस्त 2022 को आपका क्लास 10th 12th का रिजल्ट आ जाएगा। अब दोस्तों आपको अपने रिजल्ट किस तरह से निकालना है, और दोस्तों आपको मैंने बता दिया है आपकी कॉलेज या अगली कक्षा में एडमिशन लेने की लास्ट डेट 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में आपको कॉलेज या अगली कक्षा में एडमिशन करवाना अनिवार्य होगा। अब दोस्तों अब आपका रिजल्ट आपको किस तरह से निकालना है क्लास 10th 12th का सप्लीमेंट्री या पूरा परीक्षा का, दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा विद्यार्थी कॉर्नर, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों परीक्षा परिणाम 2022, परीक्षा परिणाम 2021, परीक्षा परिणाम 2020 और परीक्षा पर यहाँ पर परिश्रम पत्र यहाँ पर लिखा रहा है। अब दोस्तों आपको क्लास 10th 12th का यहाँ पर आपका सप्लीमेंट्री या पूरा परीक्षा रिजल्ट किस तरह से निकालना है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है परीक्षा परिणाम 2022 पर। दोस्तों यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा हाई स्कूल मुख्य, यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों हाई स्कूल परीक्षा परिणाम 2022, उसके जस्ट सामने यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों हाई सेकेंडरी परीक्षा परिणाम 2022। आपको दोस्तों यदि आप क्लास 10th में हो तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना होगा। यदि दोस्तों आप यहाँ पर क्लास 12th में हो तो दोस्तों आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर क्लिक करके बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर दिख रहा होगा मुख्य परीक्षा पुनर्गणना, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा मुख्य परीक्षा पुनर्मूल्यांकन, मुख्य परीक्षा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर पूरक परीक्षा का रिजल्ट किस तरह से निकालना है, दोस्तों 12 अगस्त 2022 को यहाँ पर एक लिंक आ जाएगा दोस्तों, ऐसी यहाँ पर लिखा रहा है दोस्तों मुख्य परीक्षा, ऐसी दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा रहेगा पूरक परीक्षा। आपको क्या करना होगा दोस्तों उस पे क्लिक करना होगा। जब दोस्तों आप उस पे क्लिक करोगे, दोस्तों आपको मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर क्लिक करके बता देता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर मुख्य परीक्षा में हम क्लिक कर देते हैं, दोस्तों यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है, थोड़ा सा वेट कर लें दोस्तों।
यहाँ पर हमारा पेज ओपन होकर आ गया दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि हमने दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मुख्य परीक्षा पे क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर पहले में आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है, ठीक है। क्या करना दोस्तों, आपको अपना रोल नंबर डालना है जो आपके एडमिट कार्ड में, पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है दोस्तों, उसमें आपका रोल नंबर होगा, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना होगा। जब दोस्तों आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आपका रिजल्ट खुलकर आ जाएगा क्लास 10th का। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्लास 12th की, आपको क्लास 12th का रिजल्ट किस तरह से निकालना है। हम थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक चल जाते हैं दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर ब्रेक आ गए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्लास 12th का रिजल्ट किस तरह से निकालना है पूरा परीक्षा का, दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया आपके सामने यहाँ पर लिखा रहा दोस्तों मुख्य परीक्षा पुनर्गणना, उसके जस्ट सामने यहाँ पर लिखा रहा मुख्य परीक्षा पुनर्मूल्यांकन, उसके जस्ट सामने यहाँ पर नीचे लिखा रहा दोस्तों मुख्य परीक्षा, उसके नीचे एक और लिखा रहेगा दोस्तों 12 अगस्त 2022 को पूरा परीक्षा, आपको उस पर क्लिक करना होगा। जब दोस्तों आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, उसमें आपको रोल नंबर डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको कैप्चा कोड फिल करना है। जब आप दोस्तों यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अपना रिजल्ट खुलकर आ जाएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए या फिर दोस्तों उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। आपको दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी दिया दी है। आपको कॉलेज या अगली कक्षा में एडमिशन लेने की लास्ट डेट 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में आपको कॉलेज या अगली कक्षा में एडमिशन करवाना अनिवार्य होगा। और दोस्तों आपको महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स भी बता दिया है, आप कॉलेज या अगले कक्षा में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।